आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या कह रहे हैं। एक से क्या करना, एक से सौ तक सभी क्या, सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या पूछा, ये औसत पूछा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया क्या था कि हम लोग करते क्या, यहाँ से 1, 2, 3, 4 ये डायरेक्ट हम लोग कहां तक लिखेंगे, 100 तक लिखेंगे। अगर इनका एवरेज पूछे तो मैंने आपको बताया क्या था, यहाँ अगर देखिए डिफरेंस सेम है क्या, एक एक का डिफरेंट है कि नहीं है, डिफरेंस सेम है तो आप यहाँ से करिए क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट करिए, फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ के इसका आधा कर दिए तो पूरी संख्या का आपको क्या पता चल जाएगा, औसत पता चल जाएगा। जब इसको इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा, ये 101/2 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा और ये 5.5। जब आप इसको काटेंगे कितना, 50.5 बार में ये कट जाएगा। आप इसके सामने जीरो बढ़ा सकते, कोई फर्क नहीं है। तो इसका आंसर ये आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं पहला, सॉरी इसका बी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, एवरेज के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो और आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पूछा कि 1 से 80 तक क्या पूछा है, सभी सम संख्याओं का। तो हम लोग क्या करें, पहले सम संख्या 2 मिलेगी, फिर 4 मिलेगी, फिर 6 मिलेगी, तो इस तरह से डॉट हमको लास्ट वाली सम संख्या क्या मिल जाएगी, 80 मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इनका एवरेज निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनके बीच का डिफरेंट क्या, 80 में दो दो का डिफरेंट है ना, ये दो दो का अंतर है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे कितना हो जाएगा, कितना 82 हो जाएगा और इसका आधा कर देंगे। जब आप इसका आधा करेंगे कितना जाएगा, तो 2 × 4 = 2, ये क्या गया इसका आपका आंसर आ गया, मीन्स औसत आ गया, ये आपका क्या गया, औसत आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं बी ऑप्शन हमारा क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 से 100 तक क्या करना, सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग, क्या करें, पहली विषम संख्या 1 आएगी, फिर इसके बाद विषम संख्या 3 आएगी, फिर 5 आएगी, तो इस तरह से और भी आगे लिखते लिखते लास्ट वाली विषम संख्या क्या मिलेगी, 100 से 100 तो हमारे समझ आएगी, इससे पहले विषम संख्या क्या मिलेगी हमारी, 99 मिलेगी नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ का क्या डिफरेंट, तो दोनों का यानी डिफरेंट तो सेम है ना, ये दो दो का डिफरेंट रहे कि नहीं रहे, तो हम करेंगे इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे, औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे तो कितना 100 मिल जाएगा और 100 का आधा कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा, तो ये कितना जाएगी, 50। इसका क्या आ गया आंसर, 50 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, तो हम देख रहे हैं हमारा सी ऑप्शन क्या मैच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 5 के प्रथम 10 गुणज का मतलब ये है कि पहला 5 × 1 ये हो गया पहला गुणज, 5 × 2 तो 5 × 3 ये हमारा गुणज, तो इस तरह से हमको जाना कहां तक, लास्ट कितना है 10, तो 5 × 10 कर लेंगे हम। इसको इस तरह से लिख सकते क्या, 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा ये। तो इस तरह से डायरेक्ट लास्ट वाला कितना मिल जाएगा, ये 50 मिलेगी नहीं मिलेगी, हम देख रहे हैं 5 का टेबल है। तो यहाँ से तो डिफरेंट भी देखिए सेम होगी नहीं, 5 पर का डिफरेंट है कि नहीं, 5 पर का डिफरेंट है। अगर डिफरेंट सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट कर लिया जाए और इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो करेंगे ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, सॉरी 55 हो जाएगा और 55 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 2 × 4 हो जाएगा और 2 × 7 = 14 और बचा कितना, 1 × 2 = 10। तो इसका आंसर कितना 27.5, एवरेज कितना गया आपका, 27.5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं बी ऑप्शन हमारा क्या मैच कर रहा है, ये आपका एवरेज आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 क्या पूछा है ना, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है नंबर सिस्टम की, फिलहाल चलिए। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, फिर इसके बाद 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर इसके बाद हमारा 9 क्या, ये भाज्य हो जाएगी, 9 भाज्य हो जाएगी, क्यों भाज्य हो जाएगी, जो स्वयं से कटे फिर क्या किसी अन्य से कटे और एक से कटे तो हमारी भाज्य हो जाएगी, जो स्वयं से कटे और एक से कटे हमारी क्या होती है, अभाज्य। इसके बाद हमारा क्या ये 11 आएगा। अब करना क्या, इनका क्या पूछा, एवरेज पूछा है। अब देखिए यहाँ से डिफरेंट सेम नहीं है, अगर सेम डिफरेंट अब तो नहीं है, सेम डिफरेंट नहीं ना ये, तो हम लोग क्या करें, अब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर सेम डिफरेंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट करते, बाय टू करते, आपका एवरेज आ जाता है। लेकिन इसको लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सभी को जोड़ना पड़ेगा, सभी जोड़ित कितना जाएगी, तो 5 × 5 = 10, 10 इसको जोड़ कितना हो जाएगी, 28, यानी सभी का योग कितना गया, 28 आ गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इससे भाग दे दिए, तो 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दिए तो 5 × 25 हो जाएगा, बचा कितना, 3, तो 3 तो भाग जाएंगे, 10 मतलब वहां पे 30 हो गया, तो 5 × 6 = 30 हो गया। तो इनका एवरेज कितना आया आपका, ये सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। मैंने आपको एवरेज 3 टाइप से बताया था, जो कॉन्सर्ट की वीडियो आप वहां से पा सकते हैं, मैंने एवरेज निकाला कितने तरीके से बताया, 3 तरीके से बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, आठ के प्रथम दस गुर्जों का औसत कितना होता है। मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर फोर, सेम क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसे सॉल्व करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना, 23 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मैंने आपको जवाब को चैप्टर में कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने ये आपको ये बताया था सम संख्याओं का एवरेज हमेशा कितना मिलता है, ये विषम मिलता है। सम संख्याओं का एवरेज कितना मिलता है, विषम संख्या मिलता है, और ये कितना, चार संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं 2, 3, 9, तो इसके पहले सम संख्या रही होगी, रही भी नहीं रही, और इसके बाद संख्या रही, एक संख्या यहाँ पे रही और एक संख्या यहाँ पे, तो इसके पहले सम संख्या की बात करें, इसके पहले सम संख्या क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी, इसके बाद आपकी क्या आएगी, 24 आएगी, और इसके बाद हमारी कितनी आएगी, 26 आएगी। तो बड़ी संख्या पूछा ना, तो बड़ी संख्या हमारी तो यही तो आएगी, अगर छोटी संख्या पूछता तो हम यहाँ पे 20 लिखते हैं, लेकिन हमारा क्या बड़ी संख्या पूछा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। मैंने ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना, 14 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ये भी मैंने आपको बताया था कि विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा कितना मिलता है, सम मिलता है ना, और कितनी संख्या है, सम संख्या है, चार है ना ये, तो अगर ये सम मिलता है यानी 14 हो जाएगा, तो इसके पहले एक विषम संख्या रहेगी और एक इसके यहाँ रहेगी, और इसके बाद एक विषम संख्या रहेगी और इसके इधर, चार संख्या होगी, तो इससे पहले विषम संख्या क्या मिल जाएगी, 13 मिल जाएगी, और इसके बाद वाली विषम संख्या क्या मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी। तो पूछा कि छोटी संख्या पूछा है ना, हम लोग पीछे की साइड बढ़ते हैं, तो कितना मिलेगा, इससे पहले विषम संख्या 11, तो आपका आंसर कितना गया, 11 का आंसर आ गया। तो इसका क्या है, पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। जो लोग नए हैं आप वीडियो को जाके एक बार जरूर से देख लीजिए, ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए।